लफ्ज बनाए जिनके शुरू में ते आए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने ऐसे लफ्ज बनाने हैं जिनके शुरू में ते आए। अगर आपको किसी को ये लफ्ज आते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ जी, आज हम ते से बनाए ऐसे लफ्ज जिनके शुरू में ते आए बहुत सारे अल्फाज हैं, लेकिन हम सिर्फ आज 5 अल्फाज सीखेंगे बनाए जिन के शुरू में ते इन्वर्टेड कॉमास आए और फुल स्टॉप। लफ्ज बनाए जिनके शुरू में ते आए। सबसे पहला जो हमारा लफ्ज है वो है तार। नंबर 1 तार, त आ ता, त आ ता, र तार। एक दफा मैं फिर इसको रिपीट करूंगी, त आ ता, र तार। नंबर 2 ताज, त आ ता, ज ताज, त आ ता, ज ताज। नंबर 3 ताल, त आ ता, ल ताल। नंबर 4 ता, त आ ता, क ता। नंबर 5 ताला, त आ ता, ल आ ला, ताला। ये हमारे ऐसे अल्फाज हैं जो ते से शुरू हो रहे हैं। त आ ता, र तार, त आ ता, ज ताज, त आ ता, र ताल, त आ ता, क ता, त आ ता, ल आ ला, ताला। अब जो मैंने अल्फाज लिखे हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको कुछ रियल चीजें दिखाऊंगी। हाँ जी, हमने लिखा था नंबर 1 पे तार, त आ ता, र तार। और ये देखें, ये मेरे पास एक तार है इस तरह से, इसको क्या कहते हैं, तार। ये बिजली की तार भी हो सकती है और कुछ तारें ऐसी होती हैं जिन पे हम कपड़े वगैरह भी फैला सकते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है ताज, ये है त आ ताज, ताज। तो ये मेरे हाथ में एक मैंने छोटा सा क्राउन बनाया है, ताज है, त आ ताज, ताज। इसको हम सर पे भी पहन सकते हैं। इसके बाद मैंने लिखा है ताल, त आ ता, ल ताल। ये आप ताली बजाकर इसकी जो आवाज आती है उसको भी ताल कहते हैं। इसके बाद है, मैंने नंबर 4 पे लिखा है ताक, त आ ताक, ताक। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आपके घरों में भी जो दरवाजा होता है उसका एक सिरा, एक हिस्सा जो होता है इसको बोलते हैं ताक। और नंबर 5 पे मैंने लिखा है ताला। तो ये मेरे पास ताला है, आप घरों में भी ताला यूज करते हैं। आप बच्चों को इस तरह से, इस तरह की चीज़ें दिखा सकते हैं ताकि उनके जेहन में ये सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं। अब मैं एक दफ़ा सारे अल्फाज जो है एक दफ़ा दोबारा से इनको रिवाइज करूँगी। नंबर 1 पे है त आ तार, तार। त आ ता, ज ताज, त
आता ल ताल, त आता क ताक, त आता ल आला ताला। ये ऐसे अल्फाज हैं, लफ्ज बनाए जिनके शुरू में ते आए। ये आज हमने जितना भी हमने सीखा है ये ऐसे अल्फाज हैं जिनके शुरू में ते आए, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लफ्ज अच्छे से याद हो गए होंगे और आपने इस लेसन को एंजॉय भी किया होगा। और आपने घर में भी जब ये सारी चीज़ें सीखनी है तो आप कोशिश करें कि रियल चीज़ें आपके सामने हो, जब आप उनको देखेंगे तो आपको ये अल्फाज भी अच्छे से याद आ जाएंगे कि हमने कौन कौन सी लफ्ज़ जो थे वो हमने सीखे हैं। फिर मेरे